आज हम बनाएंगे मिल्क चॉकलेट और इसे हम इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है। चॉकलेट्स बनाने के लिए हम लेंगे 5 टेबलस्पून कोको पाउडर। आप घर का कोई भी स्पून इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट सेम स्पून से आपको सभी इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना है। मैंने यहाँ पे अनस्वीटन कोको पाउडर यूज़ की है और अब 5 टेबलस्पून हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। घर की नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है और 3 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अब अच्छे से छान लेना है। चॉकलेट के स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर के लिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने गैस पे एक बर्तन रखा है और उसमें 1 ग्लास पानी डाला है। पानी के गर्म होने तक वेट करते हैं और पानी के गर्म होने पर हम इस पे एक बाउल रख देंगे। बाउल को हमें ऐसे रखना है कि बाउल का जो बेस है वो पानी में टच नहीं होना चाहिए। और अब डबल बॉइलिंग मेथड से हमें बटर को मेल्ट करना है। मैंने 1/4 कप बटर लिया है। बटर की जगह आप वनस्पति घी या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो पर ही रखना है। बटर मेल्ट होते ही इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए कोको पाउडर का मिक्सचर डाल दें और उसे अच्छे से मिलाते जाएं। और गैस की फ्लेम को मैंने अब यहाँ पे ऑफ कर दिया है और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चॉकलेट अच्छी बनने के लिए मिक्सचर थोड़ा सा पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए और ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून बटर फिर से ऐड किया है। तो मैंने इस रेसिपी में 1/4 कप प्लस 1/2 टेबलस्पून बटर यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस मिश्रण को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। ज़्यादा देर पकाने से चॉकलेट कड़वी बन सकती है और इसीलिए बटर के मेल्ट होने के बाद का जो प्रोसेस है वो हमें फास्ट करना है। और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अगर चॉकलेट मोल्ड्स अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए हम आइस ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। आइस ट्रे में भी चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाती है। मिश्रण को 1-2 मिनट ठंडा होने के बाद इस मोल्ड्स में ऐसे डाल दें और डालने के बाद इसे 1-2 बार ऐसे टैप कर ले। चॉकलेट को अच्छा सेट करने के लिए इसे टैप करना ज़रूरी है। और अब चॉकलेट सेट होने के लिए हम इसे 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे। चॉकलेट सेट करने के लिए हमें इसे फ्रिज में ही रखना है, फ्रीजर में ना रखें। आइस ट्रे हो या सिलिकॉन मोल्ड्स, इसे सेट करने के लिए हमें फ्रिज में ही रखना है। फ्रीजर में रखने से चॉकलेट में मॉइस्चर आ जाता है और हमारी होममेड मिल्क चॉकलेट बनके रेडी है।